सबसे पहले तो मधुश्री जी बहुत ही टैलेंटेड और इस हमारे इस कान्हा सोजा जरा। मधुश्री जी को मैं बधाई देता हूँ और इस गाने मेरे लिए तो मधुश्री ही हिट हैं और मुझे पर्सनली उनका गाना बहुत पसंद है। पर मैं अभी तक भी गुनगुनाता हूँ उन गाने को, तो उनकी आवाज़ तो है ही इतनी सुरीली। और जो अपने आप में इतिहास कैलाश जी की सरकार का जो बाहुबली खुशी का इतनी बड़ी हिट है फिल्म, तो इसके बारे में जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि मैंने सुना है, मतलब न्यूज़ में सुना है कि हजार इतने ज़्यादा काम होते हैं उसमें से निकलना, और आजकल तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि गुजरात शुरू हुआ है। अरे मेरे अपने पे तुम्हारा क्या काम है। अरे जिसकी की भी ना हो, अरे सबको अपनी समझो, बीबी का क्या काम है। इस गाने को मुझे मेरा वजह से मुझे विदेश में जाने का मौका मिला पहली बार। पापा जी को बहुत मिस करता हूँ, वो हमेशा बस बोलो और उस गाने को फिर मैं आसमां से जब जमीन रेशमी सेज है महती हुई आज की सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी ये गाना मुझे श्री कृष्ण भगवान जो है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं ये गाना दिया, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। गाना बहुत चलता है, कई बार फिल्म चल जाती है गाना नहीं चलता, पर मधुश्री इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर और मैंने एक बार इनका गाना सुना। बाहुबली फिल्म से लेके फिल्म की को लेकर मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मधुश्री मैडम ने गाना गाया है, और अब जब फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई तो पछता रहा है, बोले काश ये फिल्म मैं कर लेता तो आज इस फिल्म का बाहुबली मैं होता और तो और मेरे घर पर थोड़ा क्लोज आइए। मुझे कुछ कहना ही नहीं, मुझे तो गाना है। काना सो जा जरा काना, आगे भी बहुत हमारी एक फिल्म आने वाली है ब्लैक बर्थडे, एक फिल्म है हैप्पी सिंह। आई एम रोगा उमरानिया एंड आई एम हियर फॉर द सक्सेस पार्टी एंड द सेलिब्रेशन ऑफ मधुश्री जी। उनका गाना इतना बड़ा हिट हुआ है। मधुश्री बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, आई एम सो हैप्पी उनका गाना इतना पॉपुलर हुआ है, और जब फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है और उसका गाना पॉपुलर होता है